हेलो गाइस, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? और उम्मीद करती हूँ कि मेरे जितने भी लोग हैं, सब्सक्राइबर हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, सब्सक्राइबर जो हैं, तो वो सब ठीक होंगे, खुश होंगे अपने घर में, एंड सब खुश ही रहें। मेरी ऐसी ही प्रभु से जो है इच्छा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की न्यू ब्लॉग, एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। अभी फ़िलहाल तो बच्चे अच्छे सब चले गए हैं, डैडी भी चले गए बच्चों के। और को अभी मैं आज क्या करने जा रही हूँ, आज मैं करूँगी पेंट। पेंटिंग होती है ना, तो वो मैं खुद से ही करूँगी क्योंकि फ्री रहती हूँ घर में, तो क्या ज़रूरत पड़ी है, टाइम पास नहीं होता, बच्चे भी चले जाते हैं, तो अब इसमें टाइम स्पेंड करूँगी, चीज़ें भी नई हो जाएंगी और मेरा टाइम भी अच्छे से कट जाएगा। और मैंने सॉन्ग चला रखे हैं कुमार शानू जी के, तो ये देखिए। और आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाए थे साबुदाने की खिचड़ी, बच्चों को यही दिया लंच में, इनको भी टिफिन में यही दिया लंच में, और बाकी टोस्ट बनाए थे ब्रेकफास्ट में, तो ये लंच के लिए बनाया था तो धूप तेज़ है अभी, तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं। देख लीजिए, पेंट का सामान आ चुका है और पेंटिंग की शुरुआत भी होने वाली है। मैंने मग में थोड़ा सा पेंट लिया और ये लिया और थोड़ा सा इसको मिलाया हिसाब से, अब उसको पेंट करके देख लूँगी गाढ़ा है या पतला है, जो भी उस हिसाब से दोनों को मिलाकर पेंटिंग शुरू करती हूँ। तो सोच रही हूँ पहले बेड की करूँ या फिर बाहर के दरवाजे की करूँ, तो पहले बेड की कर लेती हूँ फिर दरवाजे की करूँगी। सो गाइस, मेरे बच्चे आ गए, आ गए सुंदर बच्चे, आ गए प्यारे बच्चे, आ गए अच्छे बच्चे, आ गए सुंदर बच्चे, आ गए। बताती हूँ आपको, मैंने पेंट कर दिया एंट्री में, विंडोज़ पे तो कर दिया है पेंट, ही सारा पूरा का पूरा अंदर से जाली में सब पेंट हो गया, अब ये दरवाजे पे नहीं हुआ। करूँगी क्योंकि बच्चे आ रहे जा रहे हैं तो फिर टच होगा, इस वजह से सोचा कि इसको रात को करूँगी जब सब सो जाएंगे, तब करके इसको छोड़ दूँगी, तो फिर तो किसी का आना जाना रहेगा नहीं। अभी ये हो चुका है और बाकी सारी जितनी भी दहली है ये सब करनी है मुझे घर की, और बेड वेड पर, यहाँ वहाँ किचन में सब जगह पेंट करना है, उस पर गैलरी के जाल पे। अभी इवनिंग टाइम हो गया तो मैंने थोड़ा शाम की झाड़ू वाड़ू लगाई, दूध रखा, दूध वाली आई थी देने के लिए, बर्तन दो चार ये धोगी, कपड़े सूख रहे हैं यहाँ पर थोड़े से, तो होगा इस ब्लैक कलर का लाऊंगी, और फिर ये जो ये है सारा यहाँ पर ऊपर ये सब सारा पेंट करूँगी, आस्ते आस्ते करूँगी, कोई जल्दी नहीं है, मतलब अपने आप को थकाना भी नहीं है, जितना टाइम लगता है कि मैं फ्री हूँ तो उस टाइम पे मैं ये काम करूँगी, बाकी आराम से अपना जो खाने पीने का टाइम है, घूमने का टाइम है, सब कुछ इंजॉय करूँगी, और बीच बीच में जो फ्री टाइम मिलेगा जिसमें सोने का मन करता है कुछ, उस टाइम पे मैं कलर करूँगी। ये भी ज़्यादा सोना नहीं चाहिए, बोलते हैं कि 6 घंटे की नींद बहुत होती है, वैसे तो 8 बोलते हैं लेकिन 6 घंटे की नींद भी बहुत होती है, और दोपहर के टाइम सोने से वही टाइम वेस्ट करने वाली ही बात लगती है, तो अच्छा ही है कि घर के कुछ काम कर लो, टाइम भी स्पेंड हो रहा है और ख़ुद भी अच्छे से रह रहे हो, अपना कोई बोर भी नहीं होते, क्योंकि बच्चे चले जाते हैं तो मोस्टली मैं बोर हो जाती हूँ बच्चों के जाते ही, तो अभी कुछ दिन तो मेरा टाइम ऐसे अच्छे से स्पेंड हो जाएगा। और अभी देखो बाल भी वाइट हो रहे हैं, कलर वलर कुछ भी नहीं किया, तो चलिए अब इवनिंग टाइम हो गया, मैं तो खाती हूँ साबुदाने की खिचड़ी, फिर रात को देखते हैं क्या बनाऊंगी। फुलझड़ी जला रही थी दोनों। अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, बच्चों के डैडी आ गए हैं, उनके साथ ही जा रहे हैं बच्चों को लेकर, और डेली थोड़े थोड़े पटाखे दिलाएंगे, क्योंकि एक साथ दिला देंगे ना इनको, वैसे तो इनके डैडी इनको पूरा बोलते हैं ना, कट्टा भर के बोरा भर के पटाखे ला के देते हैं, पर एक साथ दिला देंगे तो ये फिर फोड़ते ही रहेंगे, सारे फोड़ देंगे दिवाली से पहले, तो थोड़े थोड़े डेली दिलाएंगे, इससे इनका भी मन बना रहेगा और हम भी बचे रहेंगे, फिर दिवाली के लिए तो लेंगे ही लेंगे। सो गाइस, अभी हम लोग लेने जा रहे हैं पटाखे। ये पानी कैसे गिरा हुआ है यहाँ पे, फिसल जाएगा कोई, और बच्चे अभी डेली पटाखे मांगेंगे तो थोड़े थोड़े ही दिलाएंगे हम, क्योंकि हम भी बचपन में ऐसे ही करते थे, डेली पटाखे लेते थे अपने पापा से,
और दो चार दिन से मुझे अपने फादर की, अपने पापा की बहुत याद आ रही है। रात को उनको सपने में भी देखा था मैंने, उनका नाम लेते ध्यान आ गया मुझे। वैसे तो अच्छे दिखते हैं वो, सब कुछ बिल्कुल हेल्दी दिखते हैं, खुश दिखते हैं सपने में, बट याद तो आती है। जैसे जैसे कुछ भी ऐसा होता है बच्चों को, जब अपने डैडी से करते हैं तो फिर हमें भी अपने डैडी की याद आती है। एंड अभी हम लोग आए पेट्रोल पंप पेट्रोल डलवाने के लिए स्कूटी में। आ जाओ टीयू, यूनिक वॉल डेकोर के नाम से शॉप है। अभी हम यहाँ पर इसको बढ़ाने भी आए थे। भाई अभी हम लोग आए मार्केट पटाखे की शॉप घूमने के लिए। हम खाना है पानी पूरी, पानी पूरी, सेव पूरी, दही पूरी, भेल पूरी, दही बड़े, तो सब कुछ है इनके पास। अभी हम लोग खाना है पानी पूरी। अभी हम लोग ले रहे हैं लस्सी, स्पेशल कुल्हड़ लस्सी। और अभी हमने मूंगफली भी ली है, पानी बताशे भी खाए इन्होंने, मैंने नहीं खाए, बच्चों ने खाए, बच्चों के डैडी ने खाए। अभी हम लोग आए हैं नल लेने के लिए शॉप पर, और यहाँ पर वॉश स्टेशन एंड टॉयलेट सीट्स भी हैं। फिर से पटाखे जला रहे हैं। अभी हम लोग खेल रहे हैं लूडो, और टिया भी खेल रही है लूडो हमारे साथ। आज ही कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले चाहे जमाना, मोती वही जो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग गाइज, मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ। आई होप आपको मेरी ब्लॉग पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी ब्लॉग पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर भी ज़रूर करें, और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें, और हमें कमेंट करके हमें सपोर्ट करें। जो भी कुछ आपको चेंजेस चाहिए, कुछ ऐसा चाहते हैं कि हम चेंज करें ब्लॉग के अंदर या कुछ और दिखाएं, तो आप वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं गाइस। और आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी है, तो हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।